मकान के छत पे खड़े हैं और यहाँ के हम नज़ारा देख रहे हैं और देख रहे हैं, पर गांव बसा हुआ है वो देख के भी थोड़ा सा लग रहा है कि लोग रहते थे कितना अच्छा होता। थार डेजर्ट, रॉयल डेजर्ट, थार डेजर्ट, रॉयल डेजर्ट, मुगल डेजर्ट। अच्छा, तीन डेजर्ट को ले चलोगे? ओनली 2% हो गया। अदर आर्मी क्या है ये? ये आर्मी वार म्यूजियम है। म्यूजियम है जो आर्मी से रिलेटेड। थक गए, थोड़ा आराम कर रहे हैं, धूप बहुत तेज है। हाँ, ये देखिए धूप बहुत तेज है। वीडियो बन रही है की। ये एक चौपाल टाइप है जहाँ पे लोगों की, मुख्य साहब और सब लोगों की मीटिंग हुआ करती थी, जहाँ आइसक्रीम का सारा स्टॉक है। तो लोग धूप में से आके पानी, आइसक्रीम, आई थिंक कॉफी, चाय, सब कुछ अवेलेबल है। तो वहाँ से ये देखिए, ये पूरा वहाँ था, ये सारा गांव है। ये वहाँ से लौटते वक्त ना, ये देखिए पूरा चारों तरफ गांव है। ये देखिए, और अब ये यहाँ पे एक दुकान खुल गई हुई है, लोग आके अपना गर्मी में आइसक्रीम ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी लेने गए हैं। वाले भी आई आइसक्रीम, दिखाओ अपनी आइसक्रीम। हमने भी आइसक्रीम ली, गर्मी कितनी है। शॉप है जहाँ से आइसक्रीम, पानी वगैरह मिल रहा है। एक ही है ना, एक और है साथ में, एक मैगी पॉइंट है। एक ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी दूर में खंडा में, बस दो ही तीन पॉइंट अलाउड किया हुआ है टूरिस्ट के लिए। अब हम चल पड़े हैं, हम भी आइसक्रीम खा रहे हैं। जाके हमें बड़ी गर्मी लग गई, थोड़ी पानी पिया, सब आइसक्रीम खा रहे, देखने का मन कर गया भाई हम भी खाते हैं। तो आप भी खा रहे हो? काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी बहुत बड़ा टूरिस्ट पैलेस है ये, हाथरस भिंड मिल है। दूर दूर तक भिंड मिल लगे हुए हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम आए हैं देखने के लिए आर्मी वॉर म्यूजियम, जहाँ पे आर्मी के से रिलेटेड चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। अगर कैमरा अलाउड होगा तो मैं अंदर शूट करूंगी, नहीं होगा तो फिर मैं रख के जाऊंगी। तो अभी फिलहाल तो मैं आपको बाहर का दिखाई देती हूँ। यहाँ पहुंच गए हैं हम लोग और मैं उतर रही हूँ। पानी की बोतल दे देना एक। अभी बहुत रश है, बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करो, तो वी आर वेटिंग। हेलो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा थक के बैठे हैं, टिकट का वेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला अभी 5 मिनट, पाँच क्या मतलब 15-20 मिनट अंदर काफ़ी रश है। उन्होंने बोला कि वेट करो, भीड़ है बहुत ज़्यादा अंदर। जैसे ही खाली होता है हम आप लोगों को बुलाते हैं। और टिकट में को लग रहा है बाहर का, तो पता नहीं, टिकट का भी समझ नहीं आया कि टिकट अंदर मिल रहा है या बाहर मिल रहा है। तो वहाँ तक पहुँचेंगे तब पता चलेगा। आर्मी क्या है ये? आर्मी वार म्यूजियम है। म्यूजियम है जो आर्मी से रिलेटेड जो वॉर हुई थी, सारी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। सर पता नहीं कौन से वॉर के सारी चीजें यहाँ पे रखी गई हुई हैं। तो अगर कैमरा, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आर्मी में अंदर कैमरा अलाउड होगा, बट हुआ तो पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, नहीं हुआ तो यहीं तक ही बाहर आके बताऊंगी मैंने क्या देखा। तो तब तक आप पीछे का देखिए सीन, इसके ग्राउंड देखिए। टिकट लग रहा है वहाँ से सारा। दिन में हम आपके साथ शेयर किया था, वो आर्मी वॉर म्यूजियम गए थे, वहाँ अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं था, बट बेस ये था कि 71 की जो लड़ाई हुई थी उसके बेस पे वो पूरा बना है। और उनके उनको उस लड़ाई के दौरान जो भी उनको पदक मिले और प्राइजेस मिले हैं उनके वीरता के लिए, उनको सब रखे गए हैं। वीपन्स जो होता है, जो हथियार यूज किए गए हैं, उनको दिखाया गया है। और एक छोटी सी वहाँ पे पिक्चर दिखाई गई
जिसमें सारा हमारा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कारगिल 71-65 जितने भी युद्ध हुए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया। और ये देख के एक बार फिर हमारा मस्तक वीर शहीदों के लिए, आर्मी पूरे बटालियन के लिए झुक जाता है। नमन करते हैं, सलाम करते हैं उनको हम, और हमें अपने देश पर बहुत गर्व है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद हमने लंच भी किया और अब लौट के होटल 5 मिनट रुके हैं, अपना थोड़ा फ्रेश अप हुए हैं। और अब जो सैंड, इसको डेजर्ट बोला जाता है, सम डेजर्ट बोला जाता है, प्रॉपर नाम नहीं पता मुझे, सम डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी होंगी, तो चलिए उसके साथ हम आपको शेयर करते हुए चलेंगे। हम आ गए हैं सैम ड्यूज, रेत का टीला। अभी सनसेट मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे ऊंट हैं, ऊंटों की सवारी हो रही है और बहुत और भी शायद एक्टिविटी है। अभी तो मैं आई हूँ और आपको दिखाते हैं। तरह तरह के कपड़ों में ऊंट पहने हुए हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कैंपिंग है, रिजॉर्ट है, सब कुछ है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो जीप में हमें वो नहीं करना, एडवेंचर नहीं करना। नहीं, आप जैसे बोलेंगे वैसे लेके हमें प्लेन पे चलेंगे, क्योंकि कमर में पेन है। कोई बात नहीं, आप जैसे बोलेंगे। कौन सी गाड़ी आपके पास है? हमारे पास तो फॉर्च्यूनर है। कोई बात नहीं, चलेगा, बढ़िया। आपको दिल से घुमा फिरा के वापस लेके आ जाएंगे। डेजर्ट के अंदर जीप सफारी रहेगा, ये टोटल आपको खर्चा आ जाएगा 2% का, 2100। अच्छा, इसको क्या नाम बोलते हैं इसको? डेजर्ट थार डेजर्ट, रॉयल डेजर्ट, मुगल डेजर्ट, तीन डेजर्ट। आगे बैठ सकते क्या? कोयल डेजर्ट, थार डेजर्ट, रॉयल थार डेजर्ट, रॉयल डेजर्ट, मुगल डेजर्ट। अच्छा, तीन डेजर्ट को ले चलोगे ना? और को तो नहीं बैठा होगा। ओनली 2% रहोगे, अदर किसी को नहीं देना। क्या चार्जेस है? 2100। तो जो रात में जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह रहता है वो भी रहेगा? कल्चरल प्रोग्राम, डिनर वगैरह सब चीज, एक्टिविटी करना चाहते हो, स्टे नहीं करना है ना? नहीं, स्टे नहीं करना, होटल जाएंगे। फिर आपको पूरा एवरीथिंग फुल वाला लोगे तो आपको 5000 खर्चा आएगा 2% का। उसके अंदर जीप सफारी, कैमल सफारी, कल्चर प्रोग्राम, डिनर। कैमल नहीं करना होगा? कैमल नहीं करोगे तो 100-200 रुपये कम हो जाएगा सर। कैमल में 100-200 ही लेते हो? और क्या? और क्या क्या है? जीप सफारी, जीप सफारी रहेगा, कल्चर एक्टिविटी रहेगा, शाम का टी कॉफी स्नैक्स नाश्ता रहेगा, 17-18 प्रकार का प्रोग्राम रहेगा, 10-15 आइटम का खाना वगैरह। अंदर अंदर कैंप के अंदर भैया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आप। जी जी, चैनल है मेरा, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। नहीं, कोई बात हो गया। किस नाम से चैनल है मेरा? मसाला भाई माला। हाँ हाँ, ठीक रेट लगाओ, बहुत पैसे भाई इतना। अंदर मसाला है ना, इतना क्या, कहाँ कहाँ से हो इतना। हमने एक जीप की है दो ही लोगों के लिए, तो हम क्योंकि थोड़ा हमको एडवेंचर नहीं करना है, हमने सिंपल ही जीप से वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे और डिनर भी ऑर्गेनाइज है। ऊँट पे भी नहीं बैठे हम लोग, तो थोड़ा बैकमैन होने की वजह से ये सब चीज़ें हम नहीं इंजॉय कर पा रहे। और वहाँ जाके थोड़ा रेत में बैठेंगे, रेत एक अलग ही चीज़ है हमारे डे टू डे में, तो हमें नहीं मिलती है। बहुत पब्लिक आई हुई है, लोग ऊँट पे बैठ के ऊँट की मजे ले रहे हैं। आप आ सकते हैं, इस चीज़ का एंजॉय कर सकते हैं। बहुत पब्लिक है, टू मच पब्लिक, और उतना ही ऊँट है कलर कपड़ों में पहने हुए। अभी मैंने आपको सनसेट भी दिखाया, वहाँ पर मुझे जो दिखेगा वो मैं दिखाऊंगी। तीन थार डेजर्ट और दो और बता रहे थे, मेरे दिमाग से निकल गया, तीन डेजर्ट बोल रहे थे। जी, कैसा अनुभव होता है? जी पे अच्छा लग रहा है, अभी जो सनसेट हुआ और भी लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, धीरे धीरे जैसे नाइट हो रही है, लोग जमा हो रहे हैं, यहाँ जमा होकर फिर आगे की तरफ जाते हैं।
यहाँ पे सारी कैंपिंग वगैरह होती है, कैंपिंग की जगह लगी हुई है, लोग नॉर्मल सुपर कैंपिंग डिलेक्स कैंपिंग वहाँ पे रात में स्टे करते हैं, पर हम तो होटल से ही आए हैं तो हमें तो वापस होटल ही लौटना है, उस हिसाब से हमने जीप की बुकिंग की है। अब भैया को बोल दिया भैया हमें ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना, हमें कुदाना उदाना मत जीप में, हम दोनों को ही बड़ा डर सा लगता है। आप ऐसे सिंपल में भी कर सकते हैं, और जो दुबई में होते हैं एडवेंचर करके एकदम छलांगे लगाते हैं इस पे रेत पे, तो वो भी इनके पास सारा इंतजाम रहता है, जो चाहते हैं उनको उनके समय को ये वाला एडवेंचर ये लोग देते हैं, बट हमें नहीं चाहिए। हाँ मुझे कल्चरल प्रोग्राम देखने का मुझे बहुत शौक़ है, वो मैं वहाँ पे हम दोनों ही देखेंगे और कुछ खाना पीना भी खाएंगे, इंजॉय करेंगे और आपको भी खाएंगे, आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ साथ। बस यहाँ खाने पीने क्या मिलेगा, खाने में तो टिप्स वगैरह यही। अरे भैया तो मुझे डिनर होगा, डिनर वगैरह डिनर वो आप होटल पे होगा, वहाँ पे जाके वापस वहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं। कमल नहीं करना है, कैमल तो कर सकते हैं, कैमल कर लो, कैमल रेडिंग है ना आपको पैकेज वो कर लो, और बाद में गाड़ी यहीं पड़ेगा और वो डांस डिनर जो नाश्ता वगैरह वही होटल पे वहाँ होता है। हाँ जहाँ से आए हैं हम लोग सिर्फ क्यों मतलब कैमल है जीप है आप कैमल पे वो गाड़ी पे जो एक मिनट जहाँ से आए हैं वहीं लौटना है वापस। आपको कैमल है ना पैकेज में, कैमल आपको ले लो तो कैमल के लिए यहाँ तक आए हम लोग। हाँ जी जीप सफारी होगी आपकी और कैमल बाकी, कैमल आपको पैकेज में कैमल कर लो और बाद में। और केबल कितने देर का है, केबल 20 मिनट लगेगा मान लें, अगर केबल को झटका लग रहा हो तो उतार देंगे ना। हाँ जब कहेंगे उतार देंगे ना, केबल वाले होते हैं साथ में। ये केबल ही है चढ़े आप ये देखिए केबल को चढ़े हैं, ये रेडी टू गो है। डर लग रहा है नहीं नहीं उधर आओ, अब हम कैमल की सवारी के लिए निकल गए हैं। नहीं बेशक भैया ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कुछ नहीं करता। बैग इधर लटका दो, लेके बैग दे दो मेरे को, बैग इधर लटका दो आपका। हाँ भैया ये सबसे पहले आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम साईंदाज फनोप मोहम्मद मोहम्मद, और आपके इस ऊँट का नाम जेठालाल। दिखा दीजिए हम ऊँट की शक्ल, ये जेठालाल भाई है और इसी पे हमने सवारी की है ना जी। मैडम आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठा था। हाँ बहुत मजा आया, अच्छा लगा। अच्छा आपको अच्छा लगा ये भैया, अच्छे तरीके से कराए, और आप आओ तो इनको कांटेक्ट करो, जेठालाल से जरूर मिलना हमारे इन जेठालाल। आपका और भी दूसरा भी ग्रुप है तो आप उसको भी बताइए। आए हुए हैं अभी ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, आपका नंबर लेता हूँ, मेरा नंबर ले लो, कुछ फोन कर लेना, आपको मैं बुलाऊंगा इधर, अच्छे से कैमरा दे दूंगा। ये गाड़ी इनकी फंस गई है, फंसने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती, 4x4 ही यहाँ पे चल पाती है। ये देखिए ये तब से कोशिश कर रहे हैं निकालने की इस गाड़ी को, उसे धक्का भी मार रहे हैं, इसीलिए आप नॉर्मल गाड़ी ना लाएं। देखिए रेगिस्तान में है, हमने ऊँट की सवारी भी की और अब हम अपने जीप का इंतजार कर रहे हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का, और यहाँ आए तो आप वो गाड़ी आपको यहाँ छोड़ती है, यहाँ पे आप ऊँट की सवारी और अपने रेगिस्तान के एकदम में मिट्टी में मतलब बालू में खड़े हैं, अच्छा लग रहा है। और वहाँ जाने के बाद फिर वो सारा कल्चरल प्रोग्राम होगा, खाने वाने का इंतजाम रहेगा, तो और यहाँ पे कुछ लोग नॉर्मल गाड़ियाँ ले आए तो चढ़ ही नहीं पा रही थी गाड़ियाँ। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं। ये देखिए सारी गाड़ियाँ पार्क हो गई हैं, लोग
कैमल की सवारी करने के बाद यहाँ पे अपना डांस वगैरह खाना वगैरह एंजॉय करने के लिए रुके हुए हैं। तो जैसलमेर के घूमने में एक पैकेज ये भी रहता है, यहाँ लोग कैंपिंग करते हैं, इसी के बीच में कैंपिंग भी होती है जो डायरेक्ट उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, पर हम लोग तो होटल में रुके हैं, जो लोग होटल में भी रुकते हैं वो लोग भी आते हैं ये कल्चरल प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, इनके बीच में बैठने के लिए, ऊँट की सवारी करने के लिए, जीप की सवारी करने के लिए, तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। उस मेहमानों को हम हमारे राजस्थानी स्वागत के लोक गीत द्वारा बधा लेते हैं, जिस लोक गीत के बोल है वो सारे केसरिया स्टे करते हैं लोग रात में, और ये जो सारा प्रोग्राम है उनके लिए फ्री रहता है। हम लोगों ने इसका चार्ज किया है क्योंकि चार्ज दिया है हम लोग, क्योंकि वो होटल से आए हैं, थोड़ी देर ठहरेंगे, देखेंगे प्रोग्राम, फिर हम अपने होटल लौट जाएंगे। यहाँ भी डिलक्स सुपर डिलक्स कैंप टाइप होता है, यहाँ लोग अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं और रात में स्टे कर सकते हैं, डिनर लंच सब कुछ होता है वहीं पर। उसका सांप भलाई का देरा केरा पे पोली परवा भलाई का देरा।